दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम होम्योपैथी के बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं, जो वर्ल्ड वाइड एज ए कंप्लीट हेल्थ टॉनिक यूज होती है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिंको बिलावा मदर टिंचर के बारे में। दोस्तों, ये एज ए कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ टॉनिक तो यूज होती है, साथ ही अंदर ही बहुत सी बीमारियां हैं जिसके अंदर इसके बहुत ही अमेजिंग या बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, जिंको बिलावा की हम बात करें तो रूटीन के अंदर वर्ल्ड वाइज ये एज ए एंटी एजिंग एजेंट यूज होता है, एज ए एंटीऑक्सीडेंट यूज होता है, एंड कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ टॉनिक के रूप में भी इसको यूज किया जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं वन बाय वन हमारे बॉडी के ऑर्गन्स, कि हमारे बॉडी के कौन से ऑर्गन्स हैं जहां पे हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों, हमारे शरीर में हम बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रेन या हमारे माइंड के अंदर। दोस्तों, जिंको बिलावा हमारे ब्रेन के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, जिससे हमारे ब्रेन के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई बढ़ जाती है। और जब हमारी ब्रेन के अंदर आप समझ सकते हो कि ब्लड की सप्लाई बढ़ जाएगी, जब ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा, तो जो हमारे ब्रेन के सेल्स हैं, न्यूरॉन्स, उनको एक नई एनर्जी मिलेगी और उनकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ने लग जाएगी। दोस्तों, वो लोग जिसको कि कोई भी तरह की बीमारी हुई है या एज के साथ कई तरह की आपकी बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे हम बात करें कि आपको लग सकता है कि ब्रेन वीक हो रही है, मानसिक रूप से कमजोर होने लगे हैं, जिनको लगता है कि अब याददाश्त कमजोर होने लगी, खास करके थोड़ा जो एज्ड लोग हैं उनके अंदर ऐसी प्रॉब्लम आने लगती है, अगर वो लोग जिंको बिलावा मदर टिंचर को यूज करेंगे तो देखेंगे कि इन सारी चीजों के अंदर उनको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। दोस्तों, उसी तरह से यंग लोग जो कि स्टूडेंट्स हैं या जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको लगता है कि उनका कंसंट्रेशन पावर कम हो गया है, अगर वो जिंको बिलावा को यूज करेंगे तो देखेंगे कि उनका कंसंट्रेशन पावर बहुत ही तेजी से इंप्रूव हो रहा है और उनकी मेमोरी भी बहुत शार्प हो जाएगी। दोस्तों, इसी तरह से वो लोग जिनको की लाइफ के अंदर आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, मानसिक तनाव, अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी कारण से हो रही है और अगर आप जिंको बिलावा मदर टिंचर यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि इनमें आपको कितना ज्यादा फायदा हुआ है और तेजी से इन सारी चीजों से आप तकलीफों से बाहर आ जाएंगे। दोस्तों, इसी तरह से ये जब चीजें होगी, स्ट्रेस होगी, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, तो इन सब के कारण नींद नहीं आने की एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो आज के टाइम में हो गई है। तो वो लोग जिनको नींद कम आती है या नींद डिस्टर्ब होती है या फ्रेश नींद नहीं आती या जब सुबह सोके उठते हैं तो एक जो है इनकम्प्लीटनेस फील होती है। दोस्तों, इन सारी चीजों के अंदर आप कोई भी कारण से अगर डिस्टर्ब स्लीप है, इंसोम्निया है, तो आपको जिंको बिलावा मदर टिंचर जरूर यूज करना चाहिए और आप इसके रिजल्ट जब यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी नींद की क्वालिटी कितनी अच्छी इंप्रूव हो गई है। दोस्तों, इसी तरह से बहुत से लोग जिनको कि कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है, पर्टिकुलरली बात करें जैसे अल्जाइमर्स डिजीज हो गई, डिप्रेशन हो गया, डिमेंशिया हो गया या और भी कोई बीमारी जहां आपको लगता है कि इस तरह की बीमारी है और उसके कारण अगर आपकी कोई भी तरह की मान लीजिए कोई मेडिसिंस भी चल रही है तो भी आप साथ में अगर जिंको बिलावा मदर टिंचर को यूज करते हैं तो आप धीरे धीरे देखेंगे आपकी हेल्थ तेजी से इंप्रूव होने लगी। और ऐसी बीमारियां जहां पर कि आपको लाइफ लॉन्ग जो है दवाइयां खानी पड़ती है, जब आप जिंको बिलावा मदर टिंचर को साथ में यूज करने लगेंगे तो धीरे धीरे जो आपकी डोज है उन मेडिसिन की कम होती जाएगी और कुछ समय के अंदर आप ऐसी बीमारियों से परमानेंटली आपको छुटकारा मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से ब्रेन के ऊपर या माइंड से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं वहां अगर आप जिंको बिलावा यूज करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और ऐसी बीमारियों से आप हमेशा के लिए बाहर आ जाएंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं आईज या हमारी आंखों के बारे में। दोस्तों, जिंको बिलावा हमारे आईज के लिए, आंखों के लिए भी बहुत ही अच्छा टॉनिक है, क्योंकि ओवरऑल हमारे जो आईज है उसके विजन को इम्प्रूव करता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका जो विजन है, आपकी रोशनी है, ये धीरे धीरे वीक हो रही है, कमजोर हो रही है, या अगर आपका पहले से चश्मा लगा हुआ है और उसका नंबर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और आप चाहते हैं कि चश्मा लगा हुआ है लेकिन आगे आपका नंबर नहीं बढ़े, तो आपको जिंको बिलावा जरूर यूज करना चाहिए। इसके आईज के ऊपर, आंखों के ऊपर भी बहुत अच्छे रिजल्ट है और आपका अगर चश्मा है तो उसको भी उतारने में मदद करता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम के ऊपर। दोस्तों, नर्वस सिस्टम के अंदर भी जिंको बिलावा के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं, क्योंकि आपके CNS यानी जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको ओवरऑल मजबूती देता है। और जब आपका CNS मजबूत होगा तो आप समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो नर्व्स है, जिसको हम नसें भी बोलते हैं, और जो मसल्स है उनको एक नई ताकत और एनर्जी देखने को मिलेगी। दोस्तों, वो लोग जिनको किसी भी प्रकार का पैरालिसिस यानी लकवा हो गया, या वो लोग जिनको कोई ऐसी बीमारी होगी जिसमें धीरे धीरे उनकी नर्वस सिस्टम वीक हो रही है, उनकी नर्व्स में वीकनेस आ रही है, नर्व्स का डिमाइलेशन हो रहा है, मसल पावर जो है लूज होता जा रहा है, जिसके कारण उनको लग रहा है कि आने वाले समय में उनको पैरालिसिस या लकवा हो सकता है, अगर इस तरह का रिस्क है तो भी आपको जिंको बिलावा जरूर लेना चाहिए, क्योंकि आपके जैसा बताया ब्रेन को मजबूती देता है, CNS आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है। जब नर्वस सिस्टम मजबूत होगा तो नर्वस और मस्कुलर सिस्टम भी कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा और आपको आने वाले समय में पैरालिसिस आप बच सकते हैं, या अगर आपको पैरालिसिस हुआ हुआ है तो उससे भी आपको रिकवर करने में यह बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। पर्टिकुलरली दोस्तों, मैं बात करूं कुछ बीमारी
बीमारियां होती है, जैसे हम बात करें मल्टीपल स्क्लेरोसिस MS बहुत ही टफ डिजीज होती है आप जानते हैं, उसी तरह से पार्किंसंस या कोरिया, ये कुछ इस तरह की बीमारियां जो कि न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज हैं। अगर इस तरह की बीमारी है तो आपको जिंको बिलोबा जरूर लेना चाहिए, जिससे आपकी हेल्थ तेजी से इंप्रूव हो और आपकी बीमारी के अंदर आप बहुत तेजी से सुधार देखने को मिलेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जिंको बिलोबा किस तरह से आपकी मसल्स को भी अच्छी हेल्थ देता है। दोस्तों जिंको बिलोबा ओवरऑल आपके मसल पावर को बढ़ाता है, तो अगर आपको लगता है कि आपकी मसल्स का प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं हुआ, उनमें अगर आपको वीकनेस लगती है, तो आपको जिंको बिलोबा मदर टिंचर जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि आपके बॉडी के एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, स्टेमिना को बढ़ाता है, ओवरऑल आपकी वाइटेलिटी को बढ़ाता है। दोस्तों इसको आप एज ए कंप्लीट हेल्थ टॉनिक भी ले सकते हैं और आपके शरीर के अंदर ये एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा, या अगर आपको लगता है आपकी बॉडी के अंदर आपको थकावट रहती है, सुस्ती रहती है, इस तरह का आपको रहता है, तो आपको जिंको बिलोबा जरूर लेना चाहिए। दोस्तों वो लोग जिनको लगता है कि उनके मसल्स में ताकत नहीं है, या मसल्स प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई है, या थोड़ा सा काम करते ही जो लोग थक जाते हैं, इस तरह के लोगों को भी जो है जिंको बिलोबा मदर टिंचर जरूर लेना चाहिए। और जब वो लेंगे तो देखेंगे कितना तेजी से उनका एनर्जी लेवल बढ़ गया है, और मसल्स को ग्रो होने में और बिल्ड होने में भी आपको मदद करेगा। दोस्तों इसी तरह से वो लोग जिनको लगता है कि ब्लड सर्कुलेशन की उनके शरीर के अंदर कमी है, उसके कारण प्रॉपरली बॉडी का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, बहुत से लोग यंग एज के अंदर भी जो है उनके मसल्स प्रॉपरली डेवलपमेंट नहीं हुए, फिर वो जिम जाते हैं, सप्लीमेंट्स लेते हैं, आप उन सारी चीजों से बच सकते हैं, उनके साइड इफेक्ट से बच सकते हैं, और आपको लगता है कि मसल्स बिल्ड होने चाहिए, मसल्स वीक है, एनर्जी नहीं है, स्टेमिना नहीं है, तो आपको जिंको बिलोबा मदर टिंचर जरूर यूज करना चाहिए। और जब आप यूज करेंगे तो देखेंगे कि कितना तेजी से आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ गया, और आपको मसल्स के अंदर भी एक बहुत ही अच्छा एनर्जी लेवल, स्टेमिना आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों उसी के साथ में जिंको बिलोबा मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी बहुत अच्छी तरह से इंप्रूव करता है, और ये बेसिकली मेल एंड फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, वहां पर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे कि उनको कई तरह की अगर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है तो उसमें भी बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों ओवरऑल वो लोग जिनको की जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कमजोरी फील होती है, थकावट फील होती है, लो डिजायर फील होती है, लो एनर्जी फील होती है, लो स्टेमिना फील होता है, या लो लिबिडो फील होता है, उन लोगों को जिंको बिलोबा जरूर यूज करना चाहिए। दोस्तों पर्टिकुलरली हम फीमेल्स की बात करें, महिलाओं की, तो वो लेडी जिनको फ्रिजिडिटी फील होती है, यानी वो लोग जिनको की अपनी मैरिड लाइफ के अंदर इंटरेस्ट नहीं रहता है, जिनकी डिजायर कम हो जाती है, एनर्जी लेवल कम हो जाता है, अगर वो लोग जिंको बिलोबा यूज करते हैं तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स उनको देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसी तरह से वो मेल्स जिनको ईडी की प्रॉब्लम है, पी की प्रॉब्लम है, इंपोटेंसी है, या जिनको स्पर्म काउंट से रिलेटेड इश्यूज है, वो लोग जिनको नसों के अंदर कमजोरी महसूस होती है, शरीर में ताकत या एनर्जी की जो है कमी महसूस होती है, उन लोगों को जिंको बिलोबा जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा टॉनिक है, क्योंकि ये ओवरऑल आपकी बॉडी के अंदर, मैंने बताया कि सारे बॉडी के ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, और जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो आप अपनी बॉडी के अंदर एक नई एनर्जी, स्टेमिना और विगर एंड वाइटेलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से ये दोनों ही जो मेल एंड फीमेल से दोनों के अंदर ये एक बहुत अच्छा एज ए टॉनिक वर्क करता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं फीमेल्स के लिए कि फीमेल्स के अंदर जो PMS होते हैं, सिम्टम्स हैं, वहां भी एक बहुत अच्छा टॉनिक वर्क करता है। दोस्तों PMS क्या होता है कि वो लेडी जिनकी एज 45 प्लस हो जाती है, और जब इनको मेनोपॉज आने लगता है, यानी लाइफ का वो पार्ट जब फीमेल्स के अंदर जब उनके पीरियड्स बंद होने का टाइम पीरियड होता है, उस टाइम उनकी बॉडी के अंदर कई तरह के हार्मोनल इम्बेलेंसेस, या आप कह सकते हैं कई तरह के हार्मोन के चेंजेस होने लगते हैं, उसके कारण बॉडी में कई तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं, कई मेंटल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे हम बात करें मूड स्विंग्स होगा, गुस्सा होगा, रोना आएगा, कई बार डिप्रेशन में जाने लगते हैं, कई बार उनकी बॉडी के अंदर हॉट फ्लेशेस, जिसको आप कहते हैं गर्मी की जलें, गर्मी महसूस होना, जिसके अंदर होगा कि शरीर पे पसीना आ रहा है, चेहरे पे पसीना आ रहा है, हाथों पे पसीना आ रहा है, तो इस तरह की अंदरूनी गर्मी महसूस होना, इस तरह के जो PMS के सिम्टम्स हैं महिलाओं के अंदर, उसके अंदर भी जिंको बिलोबा बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है, और अगर इसको यूज करते हैं तो इन सारी प्रॉब्लम्स को, जो PMS की प्रॉब्लम्स है, उनको दूर करने में आपकी मदद करता है। दोस्तों जिंको बिलोबा हेडेक यानी सिरदर्द की भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, वो लोग जिनको लंबे समय से हेडेक या सिरदर्द रहता है किसी भी कारण से, और पर्टिकुलरली उसके अंदर वो लोग जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, जिसके अंदर कई लोगों को कंप्लेन रहती है कि पूरा सिर दर्द होता है, कई उनको आधे सिर के अंदर भी दर्द महसूस हो सकते हैं, तो चाहे आपको पूरे सिर में दर्द हो रहा है, चाहे आधे सिर में दर्द हो रहा है, और अगर आप इससे परेशान है तो आपको जिंको बिलोबा मदर टिंचर जरूर लेना चाहिए, और आप देखेंगे कि आपकी इस तरह की हेडेक की प्रॉब्लम में ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। दोस्तों इसी के साथ में जिंको बिलोबा एज ए स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट वर्क करता है। मैं आपको बताना चाहूँ कि वो लोग जिनको लंबे समय से कोई क्रॉनिक डिजीज है, लंबे समय से कई बीमारियां ऐसी होती है जो चलती रहती, जैसे हम बात करें HIV यानी जिसको हम एड्स कह देते हैं, कैंसर, हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर, या डायबिटीज, तो ये सारी बीमारियां दोस्तों आपके शरीर को अंदर से आप कह सकते हो कि धीरे धीरे वीकनेस देती है, कमजोरी करती है, इंटरनली बॉडी को आप अंदर से जो एनर्जी स्टेमिना है वो खत्म हो जाता है इन सारी बीमारियों के कारण। तो अगर इस तरह की कोई भी बीमारी है तो आपको जिंको बिलोबा जरूर लेना चाहिए। इस तरह की डिजीज के कारण
आपके शरीर में जो वीकनेस आई है, कमजोरी आई है, किसी भी तरह की फिजिकल, मेंटल, उन सारी चीजों को जिंको बिलोबा दूर करने में मदद करेगा और आप देखेंगे कि आपको तेजी से आपकी बॉडी वापस जो है एनर्जाइज होगी और रिचार्ज आप फील करने लगेंगे। दोस्तों जिंको बिलोबा एक स्ट्रॉन्ग एंटी एजिंग एजेंट भी है। एंटी एजिंग यानी वो लोग जो समय से पहले ही बूढ़े लगने लगते हैं, आप देखेंगे कई लोग जब 20 इयर्स के एज हैं तो वो 40 इयर्स के लगने लग जाएंगे, उनके फेस पे कोई ग्लो नहीं होगा, चेहरे पे झुर्रियां होने लगेगी, बॉडी के अंदर कोई एनर्जी नहीं, स्टेमिना नहीं, हर तरह से थकावट और फील होगा और ओवरऑल चेहरे पे उनके जो है मतलब एज से जो उनकी 20 है तो 40 के लगने लगेंगे। तो इस तरह के जो कि एज से पहले, समय से पहले जो लोग बूढ़े लगने लग जाते हैं उन लोगों के लिए भी जिंको बिलोबा बहुत ही अच्छा टॉनिक है और आप देखेंगे इसको जब लेंगे तो तेजी से उनके शरीर के अंदर बहुत अच्छा आपको सुधार देखने को मिलेगा। दोस्तों इस तरह से आपने देखा कि जिंको बिलोबा कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ टॉनिक है। ये आपके शरीर को मेंटली भी स्ट्रांग बनाता है और फिजिकली भी आपको स्ट्रांग बनाता है। शायद ही आपके शरीर में ऐसा कोई ऑर्गन हो जहां पे ये ब्लड सर्कुलेशन नहीं बढ़ाता और बॉडी के ऑर्गन्स को एनर्जी और नई स्टेमिना नहीं देता हो। दोस्तों अब हम बात करेंगे जिंको बिलोबा के इतने फायदा तो हमें पता चल गया, इसको अब हम कहां से ले सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एडवाइस करूंगा कि होम्योपैथी के अंदर जैसा मैं कहता हूं कभी भी कोई भी मेडिसिन ले हमेशा अपने डॉक्टर के गाइडेंस में ले जिससे आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। दोस्तों जिंको बिलोबा होम्योपैथिक मेडिसिन है तो नेचुरली होम्योपैथिक डॉक्टर्स या होम्योपैथिक स्टोर्स पे अवेलेबल होती है ये, और कौन सी कंपनीज की यूज करें कई बार पूछा जाता है तो मेरी क्लिनिक में मैं प्रेफरेबली कोशिश करता हूं अच्छी कंपनीज की यूज करता हूं, जैसे डॉक्टर रैकवैक जर्मन यूज करता हूं, WSI को मैं प्रेफर करता हूं या SBL कंपनी यूज करता हूं। ये कंपनीज है जो मैं मेरी क्लिनिक में यूज करता हूं और आप भी चाहें तो इनको यूज कर सकते हैं या और भी कोई अच्छी कंपनी आपको लगे तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करें इसकी पैकिंग की, तो ये मार्केट में 100ml पैक में भी मिलता है, 30ml पैक में भी मिलता है और बहुत सी कंपनियां इसको 450 यानी 450ml पैक में भी इसको अवेलेबल करवाती है। तो डिपेंड्स कौन सी पैकिंग आप लेना चाहते हैं या आपको डॉक्टर देते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको मिल जाएगा। अब हम इसकी बात करें डोज की, दोस्तों जिंको बिलोबा की एज ए टॉनिक अगर हम रूटीन में बात करें, हेल्थ टॉनिक एज ए हेल्थ सप्लीमेंट, तो उसके लिए जो डोज है वो है 15 ड्रॉप्स 2 टाइम्स ए डे यानी 15 बूंद दिन में 2 बार 1 कप गुनगुने पानी में आपको डाल के लेना होता है। करना क्या है, एक चाय पीने वाला कप होता है वो साफ करके ले लीजिए, उसमें 15 बूंद आप जिंको बिलोबा मदर टिंचर डाल दीजिए, फिर उसमें आप गुनगुना पानी भर लीजिए पूरे कप में, फिर छोटी छोटी घूंट सिप बाय सिप धीरे धीरे आपको पीना होता है और इसको आपको दिन में 2 बार लेना चाहिए। ज्यादा अच्छा रहता है कि आप सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ले लें और नाइट में डिनर के बाद ले लें, और कई बार इसको अगर आप पहले लेना चाहें तो खाने से कम 30 मिनट्स का गैप जो गैप है वो देके पहले या बाद में भी आप ले सकते हैं। ये हो गया। दोस्तों फिर कई लोग पूछते हैं कि कितने टाइम तक लेना चाहिए। देखिए जब आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं एज पर डिजीज, पर अगर रूटीन में स्टैंडर्ड हम बात करें तो इसको आप 3 महीने तक कंटिन्यूअसली ले सकते हैं। 3 महीने बाद आपको 1 महीने का गैप देना चाहिए और फिर आप इसको रिपीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है जिंको बिलोबा को आप यूज कर सकते हैं और जब आप यूज करेंगे तो आप इसके फायदे जो है इसको आप देख के और आप जो है दंग रह जाएंगे कि हकीकत में ये कितना एक अच्छा स्ट्रांग टॉनिक है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आज इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको जिंको बिलोबा मदर टिंचर के बारे में जानकारी दी है ये आपको पसंद आएगी और आपके लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।